सेलिब्रेशन हो रही है तो कि एक तरफ की जलन मतलब एक दूसरे के अंदर दिखाई दे रही है। जी जी पूजा के लिए जेलस होना तो जायज़ है। पूजा के लिए जेलस होना तो जायज़ है। नरेन यू नो उनको एंटरटेन कर रहे हैं और नैना को खाना खिला रहे हैं अपने हाथों से देखकर, जानबूझ कर वो जानते हैं कि पूजा देख रही है, तो पूजा को और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझती है कि यू नो उसने एक भेद को हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप से ऊपर रखा है, एक राज छुपा कर रखा है। तो नरेन उसी को लेकर परेशान है और अपसेट है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या राज है कि जो हमारे रिलेशनशिप से भी ऊपर है। भरोसे के अलावा और कुछ मांग नहीं सकती थी पूजा, लेकिन नरेन के लिए भी भरोसा करना सब इस वक्त मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बार पूजा उन्हें छल चुकी है, हालांकि उन्हीं के अच्छे के लिए, लेकिन इस बार भी वो यू नो कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं पूजा को। लेकिन शायद पूजा और नरेन का इस तनाव का फ़ायदा नैना बखूबी मतलब फ़ायदा उठा रही है चीज़ का। जी तो क्या कहना चाहेंगी नैना? नैना बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। पति पत्नी के बीच में तनाव है इस चीज़ का और फ़ायदा उठाते हुए नरेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और नैना को सिर्फ यही लगता है कि पूजा को तो सब कुछ हथेली में मिला है बचपन से और मुझे सब चीज़ को लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, और पूजा को सारा प्यार मिला और मुझे बिल्कुल प्यार नहीं मिला। तो अभी वो उनका कहना है कि यू नो पूजा को राम मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता, तो बस वो पूजा के राम को छीनने की कोशिश कर रही है। थैंक यू।